हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं सोनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे सोनम रावत व्लॉग्स में। फिर से एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार। एक सेकंड, पहले मैं फोन ढंग से पकड़ लूं। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार, साथ वालों को हाय हेलो नमस्कार। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह की 7:07 में रुक जाती हूँ मैं। 8 बज गए हैं, 8 बजे से हो रही है और यहाँ पे मेरी सब्जी कट चुकी है। सब्जी कट के डन हो चुकी है, मतलब कि आज हम बना रहे हैं भिंडी की सब्जी। और हमारी माता श्री जो है सुबह सुबह चाय का आनंद लेते हुए यहाँ पे। आपने तो कर लिया ना है, आपने तो कर लिया ना। क्या कर लिया? चाय। आप लोगों ने कर लिया चाय ग्रहण? कमेंट करके बताना मम्मी क्या दी है। तो चलिए बताते हैं, माता श्री से बात भी करवाते हैं आप सभी लोगों की। गुड मॉर्निंग माता जी। गुड मॉर्निंग। आप नमस्कार सेवा सोली करा करो ना, ऐसे नमस्कार करो सीधा बैठ के लोगों को। नमस्कार सेवा सोली। सभी ठीक हुए आशीर्वाद। जोर से बोली बोले, जोर से। ठीक ठाक हुए, छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को नमस्कार। और सुप्रभात। और क्या नहीं बोलेगा, पूछेगा सबसे हाल चाल, पूछेगा सबसे सब चीज पूछेगा। बात, अरे कोई बात करे ना करे, वो मैसेज का जवाब देते हैं, आपके सब चीज का जवाब देते हैं। तो जोर जोर से बोला करो, पहले तो बोलिए एक बार, बोलिए तो सही। देखो मैं पहले फ्रेंड्स इनको बोलना सिखाती हूँ, उसके बाद ये बोलेंगे, ठीक है? बोलो नमस्कार दोस्तों। जोर से नमस्कार दोस्तों। नहीं, कोई बात नहीं, बोलो। और सुबह से ब्लॉग की शुरुआत तो सोनम रावत ने कर ली है। अब वो सब्जी काट के रख दी। हाँ, उसके बाद सब्जी रोटी बनाई है, जाएगी ड्यूटी। ड्यूटी भी किसान लाना तेल नहीं इसको। कितनी प्यारी मुस्कान है तुम्हारी, ये दंतरित मुस्कान अमृत में भी जान डाल देगी जान। एक सेकंड मम्मी, तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान अमृत में भी डाल देगी जान। हाँ डाल दे। एक्सरसाइज करवाते हुए मम्मी को चलवाती हूँ मैं, क्योंकि अभी तो टाइम है ना, तो फटाफट से 10 चक्कर चलवा के उसके बाद मम्मी यहाँ पे अपना एक्सरसाइज करती रहेंगी। नहीं 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 नहीं, आप खुद नहीं जाएंगे, आपको मैं चलाऊंगी, आपने करना नहीं। देखो गुस्सा, देखो पहले यही कर देती है ये पूरा वीडियो में आरसे बनाई थे पूरी जितने भी बनाई। अच्छा, अकेला तैयार कोई नहीं बने, अकेला कुछ वीडियो बढ़ा देन, को बढ़ा देना अकेला वीडियो। डेली व्लॉगिंग का मतलब अपने घर वालों को भी दिखाओ, घर वाले तो मेरे आते ही नहीं है व्लॉग में, कोई आना ही पसंद नहीं करता। तो अभी निकल रहे हैं हम ऑफिस की तरफ, माता श्री बैठी हुई है, मैं टिफिन रख रही हूँ, अपना टिफिन पैक कर लेते हैं। ये रहा मेरा टिफिन। टिफिन नहीं, आज क्यों आना है, रोज आते ही रहना है क्या? देख आ रहे हैं मजा ना, बाप रे घूम मर जाते हैं। बाय मम्मी, बाय। चलिए, क्या बोल रही है, चब बोल रही है मुझे। जब तक पैदल चलती हूँ, जब तक ये आता है, तो पैदल वहां पे गेट खोलूंगी और ना, बाय बाय ताऊ जी। तो 2-3 दिन से बारिश हो रही थी और अचानक से धूप निकल आई ना, तो चक्कर में थोड़ा वो उमस बोलते हैं ना जैसे बारिश के बाद होती है, जो वही हो रही है, दिक्कत हो रही है मतलब बहुत ज़्यादा। तो हर चीज़ अपने टाइम पे ही होती है, बारिश भी होगी अपने टाइम पे होगी। चलिए इसका क्या। तो अभी मेरा भाई भरा रहा है यहाँ पे तेल, और पता नहीं कब तक भरवाएगा, ये लेट कर देता पूरा। चल उधर से चलना, ऊपर से क्लाल मिट्टी मेरे को वो लेना है, अपना फोन लेना है, करा होगा नहीं करा होगा उसमें पता नहीं। ऐसे तो पूरा पुल टूटा हुआ, तभी भी लोग वहां पे बैठे हैं।
खाया हूँ भैया तो देखेंगे भाई। फोन बनाया दीदी का उसने। मुझे लग नहीं रहा है जिस हिसाब से हंसी आ रही है। हाँ गुड वेरी गुड। तो दोस्तों हमारे घर में आजकल सांप ही घूम रहे हैं। ये देखना, ये दिख रहा है, ये रहा वो सांप। ये पता है घर के अंदर भी घुस सकता है, इतना पतला है। तो वहां कहाँ जा रहा है, वहां पूरी वो भिंडी बो रखी है, सब चीज बो रही है क्या। मैं तेरी दुश्मन तो ना हमारे पास ना जाए। चला गया, ये यही रहती है। पता नहीं भैया। तो ये रहा शाम का दृश्य, शाम हो चुकी है और सुबह मैंने थोड़ा बहुत व्लॉगिंग करी थी। मैंने सोचा आज मेरा फोन ठीक होके आ जाएगा, बट थोड़ी देर में बताऊंगी, थोड़ी देर में अपडेट देती हूँ आप सभी को कि फोन के साथ क्या हुआ है क्या नहीं। तो बाकी व्यू देखिए आप क्या। हेलो अनुभव, गुड इवनिंग। तो शाम हो चुकी है और पानी भर रहा, आजकल तो थोड़ा पानी थोड़ा ज्यादा आ रहा है बरसात के कारण, हो सकता है शायद पानी भर गया हो। हाँ पानी भर गया इसमें। और अब जो है खेती का काम स्टार्ट होने वाला है, कुछ ही दिन है, उसके बाद तो फिर ये तो दिखने को ही नहीं मिलेगा ना आप सभी लोगों को। तो इसके बाद सारा ये जैसे ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा घास पेड़ पौधे, वैसे आपको यहाँ भी दिखने को मिलेंगे सारे। अब ये जो खेत हैं वो भी हरियाली से भर जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे हरियाली से। तो यहाँ पे मेरी बहन ने अपने कपड़े तो धो दिए हैं और मैं भूल चुकी हूँ कि मेरे भी कपड़े हैं नीचे, तो मुझे अपने कपड़े भी धोने। चलो भैया नीचे। चलिए माताजी एक्सरसाइज करिए। पानी भर गया ऊपर, पानी भर गया। यहाँ पे आई है बरखा रानी और पन्नू के बाल बना रही है, देखते हैं कितनी अच्छी हेयर स्टाइल बनाती है। बरखा कौन सी हेयर स्टाइल है, मैं ना अपनी शादी के लिए बरखा को ही बुकिंग पे वो कर लेती हूँ, बुक कर लेती हूँ। बरखा तू बनाएगी मेरी हेयर स्टाइल, उस दिन आ जाना जिस दिन हल्दी हाथ बोल रही हूँ, जिस दिन बना है ना उस दिन आ जाना, ठीक है। ऐसे ही बनाना है सेम जैसे दीदी का बना रही है। देखो बरखा ऐसे पार्लर वाली नहीं चाहिए जो गुस्सा भी करेगी। दो भाई बरखा को कुछ दो लगाने के लिए। माताश्री बस एक आवाज लगाई है, देखिए हाथ खड़ा हो गया। चलिए घूमने चलेंगे, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो यहाँ पे आंटी जी लोग हैं। कोशिश नहीं करने तभी तो बंद नहीं होना। दर्द होना तो सही है ना, तभी तो ठीक होगा। जिनको दर्द नहीं होता महसूस नहीं होता उनको क्या पता चलेगा, वो तो डॉक्टर भी खुद बोलते दर्द होना सही है। गप्पे मारने के लिए देखो, गप्पे मारने के लिए एक्सपर्ट है। देखो गप मारने के लिए तो एक्सपर्ट बैठी हुई है, पूरी गप मरवा दो। यहाँ हाथ फिर कैसे करना है पूरा, आपने दूसरे वाला हाथ से मोड़ने की कोशिश करो उसको। आप कैसी पार्लर वाली हो,
ऐसे बाल बनाते हैं? उनको मारते भी हैं क्या? पार्लर वाले मारते नहीं है? हम तो नहीं करेंगे फिर आपको बुक। ये देखिए ये क्या, ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा तरीका है भाई? बंद कर रहे हैं। क्यों? ड्रामा। भाई साहब क्या बोले, बंद करो ये ड्रामा है। पार्लर वाले गुस्से वाली है भाई, बहुत ज्यादा गुस्से वाली है। वो भी झगड़ लिए ना ना बिठी जो, बस एक्सरसाइज करना। क्या बोल रहे आप? मैं तो कहीं नहीं गई थी, दीदी गई थी घूमने के लिए, ये ऐसे मेले में घूमने के लिए, तो लोग झिगड़े चुगड़े लेके जा रहे। अरे मम्मी अब जवाब ही नहीं दिया तेरी बातों का। जाओ अब आप वो करो, पीछे पानी डाल के आओ खेतों में। क्या कर रहा है ये? मम्मी एक्सरसाइज करो। क्या करो आप, यही फोन है मेरे पास। तो ऑफिस आ चुकी हूँ मैं, घर आए हुए तो खैर काफी टाइम हो चुका है। और मैं गई थी फोन वाले की दुकान में, तो उसने मेरे फोन को देखते ही बोला कि अब ये ठीक नहीं हो सकता। पहले तो वो था ही नहीं वहां पे, फिर बोलता कि तुम्हारा जो बैक का बोर्ड है, बोला ये पूरा ही टेढ़ा मेढ़ा हो रखा, तो ये ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने बोला कि क्या ही लगाना है, इसे पैसे वैसे आप छोड़ो, आप रखो इसको। तो ये एक सैड न्यूज मेरे लिए, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने उसी से ब्लॉगिंग शुरू करी थी, और अब जाके वो फोन बिल्कुल खराब हो चुका है। तो मेरे को थोड़ा सा दुख है बहुत ज्यादा। और आप लोग में से किसी ने कमेंट करके बोला था कि इसका चेहरा, मतलब नरेंद्र सिंह रावत जी ने बोला था कि जब से वो फोन गया तो तुम्हारा चेहरा भी उतरा उतरा। तो यही होता है कि जो जितनी पुरानी चीजें होती है ना, उनको भूलना इतनी जल्दी इतना आसान नहीं होता है। तो फोन से, मतलब उस फोन में मेरा बहुत, मतलब नहीं भी तो, एंगेजमेंट की पिक्स, मम्मी की पिक्स थी उसमें, सारी चीजें उसमें थी, पूरी पूरी चीजें थी उसमें। तो वो चला गया तो मुझे थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है, मेरा मन सा नहीं हो रहा है। मेरा ऐसा हो रहा है कि उसे ठीक कराओ, कहीं और ठीक हो जाए, बट हो ही नहीं रहा। उसने बोला कि कोई भी किसी के भी पास जाना तो वो हो ही नहीं सकता ठीक। मम्मी कह रही कि बड़े डॉक्टर के पास। कौन सा बड़ा डॉक्टर? बड़ा डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पाया तो मुझे कैसे ठीक करेगा? तो मैं माता श्री को यहाँ पे एक्सरसाइज करवा रही हूँ। अब मम्मी के फोन से व्लॉगिंग होंगे, मम्मी के फोन से सब कुछ होगा, जो भी होगा जैसे भी होगा। आप सभी लोगों को प्यार सपोर्ट देना है और बने रहना है आगे। नया फोन ले सके क्या? इतना बढ़ाना इसको, नया फोन ले लेगी, इतना करना इसका कि इतना आगे बढ़ाना चैनल को कि मैं नया फोन खरीद सकूं। मम्मी ऐसे कह रही है आईफोन, एक फोन नहीं मिलना आईफोन। अब बात हो क्या जी थोड़े में चैनल मोनेटाइज हो जाए। ओ माय गॉड, मम्मी मम्मी को लगता है चैनल मोनेटाइज होने से पैसे मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके लिए और मेहनत करनी पड़ती है आगे। कौन सी ऐसा ना, बिना मेहनत के तो कोई भी चीज नहीं मिलती है। तो जो यूट्यूब कर रहे होंगे ना, जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो डेली ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उन्हीं को पता है कि मतलब कितनी मेहनत उनकी जाती है। कि सबको ऐसा आसान सा लगता है ना कि बस कैमरा निकाल के लग जाओ और आपको पैसे मिलने लग जाएंगे, आपके एड्स आ रहे तो आपको पैसे मिलने लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है हर चीज में। आप ऑफिस जा रहे होते हो, आपको काम वहां पे है नहीं है, लेकिन आप वहां पे बैठे हो 8-9 घंटे तक, तो वो भी एक मेहनत ही है। आप वहां पे बैठे हो 8 से 9 घंटे तक, तो वही चीजें हैं। यूट्यूब में भी आपको समय निकालना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, ब्लॉगिंग करनी पड़ती है, स्टार्ट कैसे करना है और क्या दिखाना है आगे, फिर उसके बाद एडिटिंग में आपका टाइम जाता है, फिर आपको सोचने में टाइम लग जाता है, थंबनेल बनाने में टाइम लग जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो उसके बाद भी मम्मी सोच रही है कि मोनेटाइज होने से ऐसा हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे दिमाग में नहीं पालनी चाहिए चीजें कि एकदम से तुरंत हर चीजें मिल जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो आसान नहीं है कोई भी चीज, मतलब हर चीज के पीछे मेहनत है, बहुत तगड़ी वाली मेहनत है।
तो मेहनत करते रहो तो सफलता तो मिलेगी। बाकी मैं व्लॉगिंग कर ही रही हूँ जैसे तैसे, अब इसी से करूंगी, अब क्या कर सकते हो ना। बाकी फोन तो है नहीं मेरे पास, और भाई का फोन मुझे पसंद नहीं आ रहा है, और मेरा जो फोन है उसको भी दिखा देती हूँ मैं आपको। वो फोन भी लेके आ चुकी हूँ मैं, उसने ठीक ही नहीं किया, ऊपर से मुझे ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा बेकार कर दिया है, है ना मम्मी? ऐसे ही लग रहा है कि और ज्यादा बेकार कर दिया। मैं एक दो बातें तो सुना के आई उन भैया को कि मतलब पहले ही बोल देते कि ठीक नहीं हो रहा, दो दिन से आपने अपने पास पकड़ा हुआ, क्योंकि मैं सुनाने पीछे नहीं रहते। ये देखो उन्होंने खोला, ये खोल के से बंद करके भी नहीं दिया है, देख रहे हैं? पता नहीं क्या किया है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा। बोला बोर्ड हिला हुआ है इसका, पता नहीं कौन सा बोर्ड हिला हुआ है, मुझे समझ ही नहीं आई किस बोर्ड की बात करी उन्होंने, क्या बोर्ड, कुछ समझ नहीं आया। और ये लो भाई फोन बंद, और ये आगे से तो पूरा खुला हुआ ही है, ये पहले से ही, तो इसमें तो कोई अब निकल नहीं रहा है। जहां तक नए फोन की बात है तो नया फोन अभी नहीं ले सकते, ना ही मैं राहुल जी को बोल सकती हूँ अभी, क्योंकि देखें हर किसी का अपना अपना खर्चा है। ऐसा नहीं है कि मैं, मेरी उनसे शादी हो रही है तो मैं उनके ऊपर आश्रित हो जाऊं, इस चीज को आश्रित हो जाऊं कि वही लेके आएंगे मेरे लिए। मेरे को बहुत टेंशन होती है अगर मैं किसी और से भी मांगू, चाहे वो मेरा खुद का पति ही क्यों ना हो, तो बस टेंशन होती है। उनको मैं सुना तो देती हूँ बहुत बार सुनाती तो हूँ कि क्या करना है क्या करना है, वो मुझे ऑप्शन देते रहते हैं, ऐसे कर दो वैसे कर दो, लेकिन मैं फिर भी उनको मैं ये बोलती हूँ ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना। मतलब उन्होंने मुझे इतना कुछ बोल दिया, EMI से ये कर लो, अगर तुम्हें ऐसा ही है कि मेरे पैसे लग रहे हैं, ये हो रहा है सो हो रहा है, तो बोलता है वो मुझे हर चीज है। लेकिन अपने दिमाग में भी कुछ चीजें होती है ना, कि उनके घर में भी बहुत सारा खर्चा, अभी शादी ब्याह ऐसे ही नहीं होता है, 8-10 लाख रुपए तो वहीं खर्च हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं। हम अपना एक फोन के चक्कर में मैं उनके पीछे नहीं पड़ सकती, अब मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है वो चीजें। ये देखिए मैं दिख रही हूँ इस फोन में, और इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं ना, मेरी यादें इसमें हैं, पूरी यादें हैं इसमें मेरी, इसलिए मुझे यही फोन चाहिए था ठीक होके, लेकिन ये हो नहीं सकता। हाँ सही डॉक्टर नहीं मिला, मम्मी कह रही इसको कैंसर हो गया, कि सही डॉक्टर नहीं मिला इसको।